नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्राई टू एक्सप्लोर पर। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसकी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। साइंस के पास में इतने एडवांस इक्विपमेंट होने के बावजूद भी भूकंप की अभी तक सही सही भविष्यवाणी करने में साइंस विफल रहा है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जानवरों को भूकंप के आने से पहले ही भूकंप के आने का पता चल जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर जानवरों को भूकंप के आने से पहले ही किस तरीके से भूकंप के बारे में पता चलता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भूकंप कैसे आता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी बहुत सारी लेयर से मिलकर के बनी होती है, जिसमें जो ऊपरी भाग होता है उसमें 7 टेक्टोनिक प्लेटें पाई जाती हैं। इन प्लेटों के टकराने की वजह से ही भूकंप की घटना होती है। जब ये प्लेटें टकराती हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी जब अर्थ सर्फेस से रिलीज होती है तो भूकंप की घटना होती है। भूकंप की बात करें तो इसे मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता 5 से कम है तो उसे सामान्य माना जाता है, और इससे कोई जनहानि या फिर किसी भी प्रकार की हानि बहुत कम होती है। लेकिन जब भूकंप की तीव्रता 5 से 5.9 के बीच में होती है तो उसे मध्यम तीव्रता का भूकंप माना जाता है। जब 6 से ऊपर की तीव्रता के भूकंप आते हैं तो उन्हें खतरनाक माना जाता है, और अगर भूकंप की तीव्रता 7 या फिर 8 से अधिक होती है तो ये भूकंप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब जानते हैं कि क्या भूकंप के आने से पहले ही जानवरों को भूकंप के बारे में पता चल जाता है या नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि भूकंप के आने से पहले किसी को भी भूकंप का पता नहीं चलता है और जानवरों को भी भूकंप का कोई अंदेशा नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जानवरों को भूकंप के आने से पहले ही भूकंप के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं। अब जानते हैं कि आखिर जानवरों को अगर भूकंप के बारे में पता चलता है तो कैसे चलता है। भूकंप की घटना पृथ्वी के भीतर प्लेटों के टकराने की वजह से होती है। प्लेटें जब टकराती हैं तो एक वाइब्रेशन जनरेट होता है। अपनी जो सुनने की क्षमता है उससे कई ज्यादा जानवरों की सुनने की क्षमता होती है, तो ऐसे में जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं वो अपने को तो सुनाई नहीं देते हैं, लेकिन जानवरों को वो वाइब्रेशन महसूस हो जाते हैं। ऐसे में जानवर पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होने वाली है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भूकंप की घटना होने वाली होती है तो जो बिलों में जानवर रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी घटना ऐसी होती है जहां प्राकृतिक आपदा आने से पहले बहुत सारे जानवर होते हैं वो या तो पहाड़ पर चढ़ जाते हैं या फिर अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं। तो ऐसे में उस वाइब्रेशन को सुनने के बाद में ही उन्हें पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। साइंस माने या ना माने, लोगों का मानना तो यही है कि जानवरों को भूकंप का पहले से ही अंदेशा लग जाता है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में था। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।